मुझे नहीं पता कि ये मेरी वीडियो कौन देख रहा है, किस एज के लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे हैं या फिर आम जनता देख रही है, लेकिन जो भी देख रहा है ना, शेम ऑन यू। और अगर हाथरस पुलिस देख रही है ना, मतलब तुम तो चुल्लू भर पानी नहीं, तुम डूब मरो बे तुम, क्योंकि जो जिस तरीके की तुमने जो हरकत की है ना, जिस तरीके के जो तुमने काम किए हैं, वो तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि वो इंसानियत अलाउ करते, या फिर वो तुम्हें कभी भी स्कूल कॉलेज या फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें वो चीज़ें करना सिखाई होंगी, तुम्हें वो करना तुम्हें पढ़ाया होगा कि बेटा अगर कोई ऐसा काम आए तो ये करना। नहीं समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए रेप केस के बारे में। 19 साल की लड़की, केवल 19 साल की लड़की थी, और वो खेत पे गई हुई थी अपना कुछ जो भी काम था, चाहे कुछ लेने गई हो चाहे कुछ भी करने गई हो, उसको वहाँ पर चार लड़कों ने गले में दुपट्टा बांध के खींचा, मतलब घसीटा और रेप किया, प्लस ऊपर से जीभ काट दी ताकि वो किसी को बता ना सके कि उसके साथ में क्या हुआ है। और ये कांड है 14 सितंबर 2020 का। उसके बाद में उसके पेरेंट्स ने ले जा करके हाथरस में पहले हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा, उसके बाद में फिर अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, अलीगढ़ में रखा गया, एंड 28 सितंबर को आई थिंक उसको जो है सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में एडमिट करवाया गया, और 29 सितंबर मॉर्निंग में वो अपनी ज़िंदगी हार गई। ज़िंदगी और मौत की लड़ाई के चक्कर में ज़िंदगी हार गई, वो अपनी जंग हार गई। और बता दूं कि उसके साथ में क्या क्या था, ये सारे के सारे सोर्सेज मैंने न्यूज़ से लिए हैं, मेरा कोई भी पर्सनल कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में उसकी जीप काटी गई थी और उसको पैरालाइज कर दिया था, उसका नर्वस सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा था। जब हॉस्पिटल से बॉडी एम्बुलेंस में रख के घर लेकर के जाई जा रही थी, तो बीच रास्ते में पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी, रात को 2:30 बजे की बात है ये, और रात के 2:30 बजे बीच रास्ते में घर वालों को बंधक बना करके, घर वालों को साइड में रख के बॉडी जला दी है। आई मीन सोच के देखो, तुम एक बार तुम सोच के देखो, ऐसा क्या था कि पुलिस वालों को ये करना पड़ गया कि बॉडी जलानी पड़ गई, बीच रास्ते में उसको घर तक नहीं पहुंचने दिया गया, और उसके पेरेंट्स गिड़गिड़ाते रहे उसके सामने। मतलब तुम आगे की ये 2-3 क्लिप्स हैं, ये एक बार आप देखो, उसके बाद में आपको समझ में आया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी घर मतलब सभी इंतजारी सर, मट्टी जरूर लगेगी सर, आपके बीच में लगेगी, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो घर ले जाओगे तो भी देखोगे वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। घर में देखो आपसे मैं बात ही नहीं कर रहा, आप कौन है क्या बोल रहे हैं? लोग मत वो करो जो फालतू परिजन को बताने सुन लिया गया बहुत ज्यादा, जो ये बता रहे हैं इनको सुना जा रहा है, पिताजी को इनके भाई भी खड़ा पीछे सबसे बात हो सकती है क्या? हर आदमी वो बन रहा है जो नेता बन रहे सब लोग। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो लड़की थी उसके जो फादर साहब थे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज मुझे घर तक ले जाने दो, उसके बाद में मैं डेड बॉडी में लगा दूंगा। और पुलिस का क्या रेस्पॉन्स है कि अरे सर घर ले जाकर के भी तो आप डेड बॉडी लगाओगे ही ना, यहीं पे लगा देते हैं रात को 2:30 बजे। ऐसी क्या मजबूरी थी पुलिस की कि पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा कि रात के 2:30 बजे उनको जो है बॉडी का जो अंतिम संस्कार करना पड़ा, और वो भी पेरेंट्स और रिश्तेदारों को बंधक बना करके दूर रख के, सबको दूर रखा गया और अकेले पुलिस ने जाकर के उस डेड बॉडी को जलाया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी पुलिस के ऊपर, ऐसी कौन सी विपदा आपदा आ गई थी कि भाई साहब अभी अगर फाइनल जो क्रियाक्रम होता है वो अगर अभी अगर नहीं किया गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ पुलिस के साथ में कि क्या पुलिस को फोर्स किया गया, या फिर पुलिस की खुद की मर्जी थी, या फिर पुलिस किसी को बचाना चाह रही है? क्योंकि
जो वहां के जो एसपी साहब है, एसपी साहब का स्टेटमेंट है कि रेप हुआ ही नहीं था। हाँ वो बात अलग, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई थी लड़कों के साथ में, तो उस चक्कर में चोट लग गई, नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया लड़की का, और उसके दांत से जो है जीभ कटी है। आई मीन लाइक सीरियसली, आप खुद को सुन पा रहे हो एसपी साहब? और आप ये बोल रहे हो कि जो हाथरस एंड अलीगढ़ की जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक ऐसा मतलब जो रेप वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक बार फाइनल, एक और बार हो जाता है पोस्टमार्टम, ऐसी क्यों जल्दबाजी मची आपको कि आपने घर वालों को बंदी बना के, घर वालों को साइड में रखे, आपने बॉडी को वो कर दिया। और पता है एक्सक्यूज क्या दिया गया कि 24 घंटे हो गए थे भाई साहब, तो बॉडी जो है डिकम्पोज होने लगी थी। एक बात बताऊं, पर्सनल बताता हूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, कोई भी अगर किसी की भी अगर डेथ होती है ना, गांव से बिलोंग करते हो, कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हो, किसी की भी अगर डेथ होती है, चाहे उसका जो मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो अगर किसी की अगर डेथ हुई है, तो उसका जो लड़का या लड़की अगर कोई आ रहा है, तो बॉडी रखी जाती है, चाहे फिर वो बर्फ की सिल्ली लगा करके रखी जाती हो, लेकिन वेट किया जाता है कि वो आ जाए, उसके बाद में अंतिम संस्कार करेंगे। और दूसरी पहली चीज तो ये कि आप बर्फ की सिल्ली लगा करके भी आप रख सकते थे। दूसरी चीज एक बात बताओ, हिंदू धर्म में अगर वो लड़की है तो, और हिंदू धर्म के रिचुअल्स के हिसाब से रात को आप अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। आपकी हिम्मत कैसे, आपने कैसे कर दिया रात को, रात के 2:30 बजे आपने अंतिम संस्कार किया है उसका, और ऊपर से आप ये बोल रहे हो कि नहीं रेप नहीं हुआ था, वो बस हाथे पाई हुई थी, उस चक्कर में वो उस लड़की का नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। आई मीन लाइक तुम खुद को सोच पा रहे हो? पढ़े लिखो, ऑब्वियस सी बात है, एसपी हो, अच्छे खासे क्वालिफाइड हो, क्या आप सोच पा रहे हैं? आपने बायो पढ़ी है, 10th क्लास में जरूर पढ़ी हो, थोड़ी बहुत ही मतलब थोड़ी बहुत याद होगी, मतलब ना याद हो तो जाकर के पढ़ लेना एक बार, 10th की बायो की बुक उठा करके देख लेना। नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है, समझ में? बॉडी पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं जब तक उसके साथ में जबरदस्ती ना की गई हो। मैं दुआ करता हूं मैं भगवान से कि पूरी दुनिया के किसी के भी साथ में ऐसा ना हो, बट एक बार आप अपने आप को रख के देखो उस माँ बाप की जगह पर जिसकी बेटी के साथ में ये हुआ है। अगर गलती से अगर आपकी बेटी होती उसकी जगह पर, या फिर आपकी बहन होती, या आपकी माँ होती, आपकी फैमिली से कोई होता, आप क्या करते हैं? आपके ऊपर क्या गुजरती? और आप ये बोल रहे हो कि रेप नहीं हुआ है, वो बस ऐसे ही वो हो गया है, और जबकि पुलिस ऑफिशियल्स ने, पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि जो अभियुक्त हैं, जो चार जो लड़के थे, लड़के तो नहीं बोलूंगा, उन चारों को पकड़ा गया, उनके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए गए, SC ST केस लगाया गया, मर्डर का केस लगाया गया, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया। और आप बोल रहे हो कि रेप नहीं हुआ था, अगर रेप नहीं हुआ था तो फिर रेप के चार्जेस क्यों लगे उनके ऊपर? पता है ऐसा ही एक बहुत ही घिनौना इसी तरीके के एक कांड हुआ था दिसंबर 2012 में, निर्भया कांड, वो दिल्ली में हुआ था, और उसको सजा मिलते मिलते 6 से 8 सालें लग गई थी, उसको सजा मिलते मिलते वो उसको एग्जीक्यूट हो 6 से 8 साल की, आई थिंक इसी साल फांसी की सजा हुई है उन जो भी उसके दोषी थे उन लोगों को। और इस साल एक और कांड, और पुलिस भी जिसने ये कांड किया उन्हीं के साथ दे रही है, और गवर्नमेंट का, शासन का साथ दे रही है, क्योंकि पता नहीं मतलब शासन का साथ दे रही है जो भी है, बट कुछ तो दाल में काला है, किसी को तो पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी मतलब डिकम्पोज भी अगर बॉडी हो रही थी तो बर्फ लगा करके आप रोक सकते थे, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं। ये सोसाइटी डिजर्व नहीं करती है लड़कियों को रखना, ये सोसाइटी बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती कि सोसाइटी के अंदर लड़कियां हों, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की जो सोच है लोगों की, सोसाइटी के लिए एक मेरा मैसेज है, जो हमारी जो सो कॉल्ड सोसाइटी है ना, जो एक्चुअल सोसाइटी के लिए, एक्चुअल हमारे पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि ये जो आप लोग जो बैठ के करते हो ना कि चार लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में जो आप अपनी लड़कियों को जो दबा के रखते हो ना, और लड़कों को जो छूट दे के रखते हो, भगवान के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने लड़कों को समझाओ, लड़कियों को लड़कों के बराबर रखो, लेकिन अपने लड़कों को उनकी लिमिटेशन समझाओ, वो जो चूतिए जो आते हैं बैंचों कि वो समझते हैं कि लड़कियां उनके लिए, मतलब जिस लड़की ने मना कर दिया वो
उसके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, जो 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 छूट दे रखी है जो सोसाइटी ने, क्योंकि अगर रेप हो जाता है या फिर अगर अगर किसी लड़की के ऊपर अगर कोई कुछ टिप्पणी भी कर देता है तो सोसाइटी कहती है कि लड़की गलत है लड़का सही है, ये जो चीज जो तुमने बना के रखी है ना इसको खत्म कर दो, नहीं तो याद रखना कल को तुम्हारी लड़की होगी, तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी बहू होगी, तुम्हारी बेटी हो सकती है। इस चीज को अगर तुमने अगर खत्म नहीं किया कि लड़की गलत है, अगर किसी लड़की के ऊपर अगर किसी ने अगर टिप्पणी कर दी या फिर लड़की का अगर बॉयफ्रेंड है तो लड़की गलत है लड़का ठीक है, ये अगर तुमने अगर सही नहीं किया ना तो आज किसी और का घर है कल तुम्हारा घर होगा, कल तुम होगे। क्या हो मैं कुछ कहने लायक नहीं बचाओ, सिर्फ मुझे रोना आ रहा है, मुझे देश की इस हालत पर रोना आ रहा है, देश की मीडिया पर रोना आ रहा है, देश के शासन पर रोना आ रहा है, देश के प्रशासन के ऊपर रोना आ रहा है। कुछ उम्मीद थी अभी कुछ दिनों पहले तक कि देश का प्रशासन हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो शासन में जो बैठे होते हैं, जो क्योंकि जितने भी मंत्री उनके ऊपर कोई ना कोई केस, मतलब 99% जितने भी मंत्री हैं सारे सारे क्रिमिनल हैं, किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा होता है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज़ बची है, क्योंकि लास्ट एक साल के अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं ना वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के ऊपर ले जा करके टांग देती हैं हमें, एंड वहीं पर होता जाकर कि ये डिक्टेटरशिप चल रही है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो ये वाला रेप केस हो, चाहे वो GDP हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की आवाज़ हो, चाहे वो फार्मर्स की आवाज़ हो, सबको इस तरीके से दबाया जा रहा है ना कि अगर कोई उसके ऊपर अगर कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो उसके घर तोड़ दिए जाएंगे, उसको मर्डर करने को उसके थ्रेट्स दिए जाएंगे, उसके घर वालों को क्षति पहुँचाई जाएगी। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी भी फट रही थी, और पहले क्या अभी भी मेरी फट रही है कि कहीं मेरे साथ ना कुछ कर दिया जाए, मेरे घर वालों के साथ ना कुछ कर दिया जाए, क्योंकि शासन और प्रशासन के ऊपर से मेरा भरोसा उठ चुका है और आवाज़ भी कोई नहीं सुनने वाला, आवाज़ भी कोई नहीं पहुंचाने वाला है। एट द एंड दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि यार हमें इस चीज़ के अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें भक्ति करना बंद करना पड़ेगा। मतलब मैं तो नहीं करता हूँ, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उन लोगों भैया भक्ति करना बंद करो, रियलिटी में आ जाओ वापस, जो जिस तरफ देश जा रहा है ना, जो नेता है या फिर जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में पैसा, उनके पास में सारी चीज़ें, वो बड़े आराम से मजे करेंगे। मरने वाले हैं हम लोग, रियलिटी एक बार देखने की कोशिश करो। पीस।